अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं भाटी फिटनेस ज्ञानी में। और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, सूखी नाक, मतलब नाक में एक सूखापन का होना और उसके क्या कारण हैं, उसके क्या लक्षण हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके क्या सिम्टम्स हैं, ऐसा क्यों होता है, हमारी नाक क्यों सूख जाती है। कई बार आपने देखा है, कई बार बड़ा बेकार सा लगता है, हम नोज में कहीं ना कहीं अपनी फिंगर का यूज करते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान होता है और जो सामने हमारे सामने बैठे होते हैं लोग, उन्हें भी देखकर कहीं ना कहीं बहुत बेकार सा फील होता है। तो ये समस्या जो है कोई एक बीमारी नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, बट फिर भी अपनी नोज को साफ करना बहुत जरूरी है। कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे कि एक बीमारी है, मगर इसे ठीक टाइम पर ठीक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो यही आज का टॉपिक है, तो जो मैं बताने वाला हूं आप उसे करके पहले, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका कारण क्या है, ऐसा होता क्यों है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हमारी जो शरीर की नमी है वो छिन सी जाती है। जिसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि अगर ज्यादा तापमान बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ेगी, कहीं ना कहीं उसकी नमी छिन सी जाएगी, उसके कारण हमारी जो स्किन है उसमें कहीं ना कहीं एक पपड़ी सी जमने लग जाती है, या स्किन को हम ये कह सकते हैं स्किन में एक दरार पड़ने लग जाती है। तो ऐसे ही समस्या हमारे नोज के साथ होती है, हमें कई बार कफ कोल्ड होता है, जिसके कारण जब हमारी नोज आती है उस टाइम पर ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, जिसके कारण हमें सांस लेने में भी कई बार दिक्कत होने लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम नोज में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे हमारे नेल्स की वजह से हमें नोज को भी कहीं ना कहीं बहुत सारी नुकसान हो सकते हैं। नोज में से खून आना, नोज बिल्कुल सूख जाना, ऐसे करने से, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की भी कहीं ना कहीं कमी होने लग जाती है। अब जो हमारी नाक है, जो हमारी नोज है, वो उसमें एक झिल्ली होती है, जो झिल्ली बहुत ही ज्यादा पतली होती है, उस झिल्ली को सूखने के कारण ऐसा होने लग जाता है, वहां पर हमारी नाक कहीं ना कहीं जमने लग जाती है और वो कहीं ना कहीं कठोर हो जाती है। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं वो एक जगह पर चिपकी रहती है और हम उसे छुड़ाते नहीं है या हम साफ नहीं करते हैं, वो सूख जाती है, उसके कारण कहीं ना कहीं हमें कई बार नाक से ब्लड आने लग जाता है और नाक में फुंसी का एहसास होता है, जिसके कारण हम बार बार अपने नोज में फिंगर कहीं ना कहीं एंटर करनी पड़ती है। वो अपने आप हो जाता है, इंटरनली हमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी एक इंडिकेशन देती है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो उससे बचने के लिए छोटे छोटे से एक घरेलू उपाय हैं जो हमारे मॉम डैड हमारे साथ करते थे बचपन में, मालिश वगैरह करने के साथ साथ वो हमारे नाक और कान में कहीं ना कहीं ऑयल डालते थे एक तरीके से, तो उसके कारण हम बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। मगर जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, हम पता है हम अपनी केयर इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, आज के टाइम में हम लोग ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, मगर अगर ऐसा ना करें हम तो शायद कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ सकती हैं। दूसरी चीज, अब आपको सबसे बड़ा कारण ये पता लग गया कि आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना, ड्राई नहीं होने देना, वो बॉडी के अंदर नमी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको पानी का जो लेवल है वो ठीक रखना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर, जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन से भी आप बच सकते हो। अगर आपकी बॉडी में नमी है, आपको स्वेटिंग ज्यादा हो रही है और आपने पानी कम पिया, उससे भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो आपको सबसे पहला जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है पानी का। आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, जिससे आपकी स्किन में नमी बनी रहेगी। दूसरी चीज, जैसे जैसे मौसम में चेंज आता है, जो वायु परिवर्तन होता है, जब चेंज होता है मौसम, जैसे गर्माहट बढ़ी या ठंड हुई या सर्दी से हम वापस आए या गर्मी में एकदम से चले गए, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, आपस में जो मिक्स होता है, उस टाइम पर ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सीधा गर्मियों में ही होती है, सर्दियों में भी हो जाती है, मगर हम ज्यादा एयर कंडीशन में बैठते हैं उसके कारण भी ये हो जाता है। तो एक ज्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में अगर हम रहते हैं तो वहां पर भी ये समस्या आ सकती है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहली चीज कि आपको अपनी नोज को क्लीन करना होगा। क्लीन अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप रात में जब सोते हैं उस टाइम पर आप बादाम तेल को हल्का सा कॉटन में लेके या अपने हैंड्स में लेकर आप बादाम ऑयल को नोज में लगा सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, जिससे आप इस समस्या से बच सकते हैं। उससे आपकी नोज की जो झिल्ली है, जो नोज की साइड के जो पार्ट है, वो कहीं ना कहीं आपके नोज में
लगेगा तो उससे उसमें नमी आएगी, जिसके कारण इस समस्या से आप बच सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जैतून का तेल भी लगा सकते हैं। जैतून के तेल को लगाने के लिए आपको थोड़ा सा जैतून का तेल लेना है और अपनी नाक में डालना है, थोड़ी कम मात्रा में डालना है, ऐसा ना हो कि ज्यादा डाल लें आप। आपको अपने हेड को पीछे ले जाना है, पीछे ले जाने के बाद आपको नाइट में या दिन में दो बार, आपको जब भी टाइम मिलता है, जब भी आप घर पर हैं, उस टाइम पर आप नोज में डाल सकते हैं जैतून का तेल। उसके बाद आती है, जो आपको पता है आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। नारियल के तेल को भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार नारियल का तेल आप नोज में लगा सकते हैं। बट एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपको, जब भी इस चीज को करते हैं आप, नोज जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है एक तरीके से, अगर नोज में हल्का सा भी कुछ लग जाता है, कई बार हमारे नेल्स लग जाते हैं, तो हमारी आंखों से तुरंत पानी आने लग जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आप जब भी करेंगे आप अपने नेल्स को देख लेंगे कि नेल्स आपके शार्प ना हो, नेल्स आपके लॉन्ग ना हो, नेल्स बड़े ना हो, उससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड भी आ सकता है। इसलिए नोज के अंदर या तो फिर कॉटन का यूज करें, कॉटन को लें, रुई को लें और उसमें हल्का सा आप ऑयल लगाएं और उसके बाद नाकों में उसे क्या नाम के चारों ओर घुमा सकते हैं आराम से, ठीक है, उसका बहुत ध्यान रखना है। ये तो हो गई हमारी कोकोनट ऑयल की बात। अब हम बात करते हैं जो थर्ड है, उसमें आपको बादाम का तेल यूज कर सकते हैं। बादाम के तेल के साथ में आप मिक्स कर सकते हैं, आपके घर के अंदर आसानी से मिल जाएगा आपको एलोवेरा, एलोवेरा जेल जो है, एलोवेरा जेल को जब आप मिलाएंगे, एलोवेरा के साथ मिलाकर उस ऑयल को आप लगाएंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, जिससे लगाने के बाद आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा और आपकी नोज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखना है, दूसरा आपको पौष्टिक आहार, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो बहुत जरूरी है। हमेशा मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि सीजनल फ्रूट्स खाने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को अंदर से ड्राई नहीं होने देते। हमारी बॉडी में जो एक नमी है वो नमी को बरकरार रखते हैं, नमी को बनाए रखते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका खाने पीने का जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी हैं, वो थोड़ी सी जूसी होनी चाहिए, जिसके अंदर जूस ज्यादा हो, तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट में आती है चीज, आपको क्या करना है, आपको पूरे डेज में, पूरे दिन के अंदर आपको 3 से 4 लीटर या 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। आपको अपनी बॉडी को इतना पानी देना ही देना है। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखो कि अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो कहीं ना कहीं एक खिंचाव होगा और खिंचाव होने के बाद दरार पड़ने लग जाएगी नाक की झिल्ली के अंदर। उस दरार के कारण आपको कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम होने लग जाएगी, क्योंकि उसकी जो परत है वो बहुत ही ज्यादा पतली होती है। अगर उसके पास में बहुत ज्यादा गंदगी या बहुत ज्यादा नोज लगी होगी तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सूखी नाक का सबसे बड़ा कारण यही है कि इससे हम जमने से हमें कई बार ऐसी चीजों का सामना करना है पड़ता है, उसकी वजह से साइनस जैसी प्रॉब्लम भी आपको कहीं ना कहीं हो सकती है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है, मगर ये घरेलू उपाय हैं जिन्हें आप घर पे कर सकते हैं, और घर पे करने के बाद इन चीजों से आप रिलीफ पा सकते हैं। तो दूसरी चीज, आपको जब भी रात में लगाना है इस चीज का ध्यान रखना है, अपने हेड को पीछे करने के बाद आपको एक एक बूंद दोनों नाक में डालना है, नोज में डालना है, जिससे वो सीधा आपके आंतरिक में अंदर से पहुंच जाएगी, आपके जो नोज है उसके आंतरिक में पहुंच जाएगी। आपने देखा है कई बार चीजें, हम कान या नाक में एक ही कनेक्शन है तो जब हम डालते हैं तो कहीं ना कहीं मुंह की राल तक पहुंचती है। तो उस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप इन चीजों का यूज करते हैं तो आपको नाइट में करना है, 2 से 3 बार आप यूज कर सकते हैं। ऑलमंड्स जो ऑयल है वो आप आराम से लगा सकते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज, आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। तीसरी चीज, आप बार बार अपनी नोज को थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा अपने हैंड्स पे, मगर जब प्रॉब्लम होती है ना बॉडी में कहीं पर भी, तो अपना जो हमारा जो हैंड्स है ना वो वहां पहुंच ही जाता है, जिसका कई बार हमें भी रियलाइज होता है कि हमने गलत करा। कई बार हम मीटिंग में बैठे होते हैं या घर पर बैठे होते हैं तो हम नाक को हमेशा ऐसे करके करते रहते हैं। वो एक कारण यही है कि नोज में कहीं ना कहीं वो पपड़ी का जम जाना
दरार पड़ना और उसकी वजह से हमारे हाथ का वहां तक पहुंचना। तो इन चीजों से आप बच सकते हैं। 2 या 3 वीक आप इन चीजों का यूज करेंगे घर पर रहकर, तो आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो हमारी नोज है वो बहुत ज्यादा, उसकी जो झिल्ली है, जो उसकी बीच की परत है, वो बहुत ज्यादा पतली होती है, जिसके कारण वो उन सारी चीजों को कवर कर लेती है। अगर आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं तो आप नोज को क्लीन करना ना भूलें। जब भी आप मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिलता है, जब आप अपना फेस वॉश करते हैं, उस टाइम पर एक साइड से प्रेस करके आप आउटसाइड बाहर निकाल सकते हैं जो भी गंदगी है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। एयर कंडीशन में रहना थोड़ा सा कम करना होगा, बट अपनी स्किन को थोड़ी सी नमी बनाए रखना है, जिसके लिए आप जैतून का तेल यूज कर सकते हैं, बादाम का तेल यूज कर सकते हैं, नारियल का तेल यूज कर सकते हैं। इन सारे ऑयलों की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें करनी। आप इन्हें नोज में डालेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। बहुत सारी चीजें और आती हैं, मगर जो घरेलू उपाय हैं वो हमेशा बहुत कारगर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आप केवल इनमें से एक भी चीज को अपनाकर आप अपनी नोज की ड्राइनेस को खत्म कर सकते हैं, उसकी जो नमी है नमी को बरकरार रख सकते हैं, जिससे उसमें सूखापन नहीं होगा। अगर सूखापन नहीं होगा नाक के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपकी जो नोज है वो एकदम क्लीन रहेगी और आपकी ये जो हैबिट है वो भी कहीं ना कहीं छूट जाएगी। तो बस यही बताना चाहता था। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।